शिक्षा है क्या? अरे अंदर आओ, अंदर 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 ठीक। क्या नाम हो गया? चुप रहना सारे लोग, चुप रहना। क्या नाम है? नागेंद्र प्रसाद सिंह। नागेंद्र प्रसाद क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री मतलब ये कि जो मकान मकान चुनाई करते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप राजमिस्त्री हैं और आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कि हम रोटी कपड़ा तो उनसे छीन लेंगे, हमारे पास शिक्षा होगी तो। क्या नाम बताया आपने? नागेंद्र प्रसाद सिंह। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री का। और आपको क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कमा लेंगे, हमके घाटा में दम है उतना हम कमा लेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं। पैर तुम्हारे कहाँ? लाओ जरा मुझे दे दो। एक बार चुपचाप रहना, तुम्हारी एक बात सुन, जबान काट के हाथ में दे दूंगा मैं अभी दो मिनट के अंदर। एक बार इन बहरों को, गुंगों को एक बार फिर से बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। बच्चे हैं? बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। बड़ा बच्चा क्या करता है? अभी पढ़ रहा है सर, साथ में। छोटा बच्चा? वो भी पांच में पढ़ रहा है। और छोटा, सबसे छोटा? सबसे छोटा वाला सर नहीं पढ़ता है अभी, बहुत छोटा है। नहीं, वो भी सात साल का है। तो उसका एडमिशन नहीं करा पाए? कराए हैं लेकिन नहीं जाता है, कभी कभी जाता है, थोड़ा बदमाश टाइप का, थोड़ा दिमाग से कमजोर है सर। नहीं नहीं, उसको 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 मैं अभी बोलता हूँ, जब शो खत्म हो जाएगा तो उसको किसी से बोल के जाएंगे, तो किसी को दिखाना उसको, जरा एक बार दिखा ले तो कमजोर नहीं होगा दिमाग से। जिसका पिता इतना शार्प है मुझे तो नहीं लगता कि वो होगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। एक बात बताएं, तुमने बक्सर, मेरा जैसे होता ना कि जब किसी मंदिर में गए, जैसे मान लो काशी विश्वनाथ गए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो गए तो मान लो कि लगता सब हो गया। नहीं, बक्सर नहीं। में रुको, बक्सर में आ गए, तुम्हारे दर्शन हो गए तो मुझे लगा कि बक्सर आना सही होगा। तुम्हें मालूम है मैं क्यों कहता हूं? कि सारी दुनिया में बिहार नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसीलिए कहता हूं, तुम जैसे लोगों की वजह से कहता हूं। गजब हो, गजब हो। कहने लगे कि रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ा दीजिए, बाकी तो सब हम ले ही लेंगे, छीन लेंगे। छीनने वाला शब्द को आप चाहे जैसे लें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस जगह पे ऐसे लोग राजमिस्त्री हैं, आपको तो बार बार मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहिए। साहब खड़े हो जाइए, जाके बीच में जाइए, जाइए स्वागत करिए। अरे हाथ से यहां आइए, एक बार फिर सैल्यूट करता हूं। गजब है भाई आप, गजब हैं, गजब हैं। ये है बक्सर, इसलिए आता हूं। क्या नाम हो गया? पंडित जी,